नमस्कार दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं सीरीज़ का 13th पार्ट जो हमने स्टार्ट किया है, इंग्लिश सीरीज़ लर्न इंग्लिश ग्रामर फॉर एसएससी एंड बैंक एग्ज़ाम। ये पार्ट 13 है और हम पढ़ रहे थे करेक्टिंग कॉमन एरर्स, उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, रूल नंबर 46, बिटवीन इज़ यूज फॉर टू पर्सन्स वेयर एज अमंग इज़ यूज फॉर मोर देन टू पर्सन्स। बिटवीन यूज़ करते हैं अगर दो पर्सन दे रखे हैं, जबकि अमंग यूज़ करते हैं हम अगर दो से ज़्यादा पर्सन हैं। द वर्ड्स ईच, एवरी, एवरी वन, एवरीबडी एंड नो बडी आर ऑलवेज फॉलोड बाय वर्ब्स, प्रोनाउंस एंड एडजेक्टिव इन द सिंगुलर। अगर वर्ड्स ईच, एवरी, एवरी वन, एवरी बडी या नो बडी आ रहा है सेंटेंस में, तो उस सेंटेंस में जो वर्ब यूज़ करेंगे या प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है, वो भी सिंगुलर यूज़ करेंगे। आइदर एंड नाइदर आर यूज फॉर टू पर्सन्स और थिंग्स, वाइल एनी एंड नन आर यूज फॉर मोर देन टू पर्सन और थिंग्स। द वर्ब इन बोथ केसेस इज सिंगुलर। आइदर और नाइदर यूज़ करते हैं अगर दो पर्सन्स के बीच में हमें कंपेरिजन करना है या फिर यूज़ करना है। दो पर्सन्स अगर दे रखे हैं तो हम यूज़ करेंगे आइदर और नाइदर, और अगर मोर देन टू पर्सन्स या थिंग्स हैं तो हम यूज़ करेंगे एनी या नन, और दोनों ही केसेस में जो वर्ब यूज़ करेंगे दैट इज़ सिंगुलर। इफ़ अ कंपेरिजन इज मेड यूजिंग अदर देन दैन इज़ यूज इंस्टीड ऑफ बट। अगर हम कंपेरिजन कर रहे हैं बाई यूजिंग अदर, तो हम देन यूज़ करेंगे बट यूज़ नहीं करेंगे। लिटिल मीन्स हार्डली एनी, अ लिटिल मीन्स सम, एंड द लिटिल मीन्स नॉट मच बट ऑल दैट इज़। ध्यान रखें दोस्तों, ये तीन यूजेज हैं लिटिल के। अगर अकेला लिटिल आ रहा है तो उसका मतलब हार्डली एनी, आ लिटिल आ रहा है तो मतलब सम थोड़ा सा, और द लिटिल मतलब कि जो है नॉट मच बट ऑल, मतलब जो है ये समझ सकते हैं कि जो है नॉट मच बहुत सारा नहीं, लेकिन जितना दे रखा है वो सारा हमें मतलब है कि जो है द लिटिल का। नेक्स्ट रूल इज सम इज यूज इन अफर्मेटिव सेंटेंसेज एंड एनी इन नेगेटिव सेंटेंसेज। अगर पॉजिटिव केसेस में बात की जाए तो सम यूज़ करते हैं, और अगर नेगेटिव सेंटेंसेज तो वहाँ पर हम एनी यूज़ करते हैं, ठीक है। फ्यू मीन्स प्रैक्टिकली नन, अ फ्यू मीन्स सम, द फ्यू मीन्स नॉट मैनी येट ऑल। फ्यू का मतलब कि जैसे कुछ भी नहीं, आ फ्यू आ रहा है तो मतलब थोड़ा बहुत, और द फ्यू मतलब सब चीज़ लेनी है, ठीक है ना। द वर्ड्स जस्ट नाउ इंडिकेट एक्शन बिगन इन द पास्ट एंड प्रेजेंटली इज यूज इन द केस ऑफ एक्शन दैट इज टू बी बिगन इन द फ्यूचर। अगर जस्ट नाउ यूज करें मतलब कि जो है वो एक्शन पास्ट में स्टार्ट हो चुका है, और प्रेजेंटली यूज करें मतलब कि वो जो एक्शन है वो फ्यूचर में स्टार्ट होगा। एनी लॉन्गर, एनी फर्दर एंड एनी मोर रिफर टू टाइम, डिस्टेंस एंड नंबर रिस्पेक्टिवली। दोस्तों, एनी लॉन्गर रिप्रेजेंट करता है टाइम को, एनी फर्दर डिस्टेंस को, और एनी मोर नंबर को रिप्रेजेंट करता है। द वर्ड्स दो एंड ऑल दो आर फॉलोड बाई येट एंड नॉट बट। अगर वर्ड्स आ रहे हैं दो या ऑल दो, तो हम येट यूज़ करेंगे बट यूज़ नहीं करेंगे। स्कार्सली एंड हार्डली आर फॉलोड बाई वैन एंड नॉट देन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है कि स्कार्सली और हार्डली के बाद जो है वैन आता है, देन नहीं यूज़ करते। लेस्ट इज़ फॉलोड बाई शुड, अगर कहीं लेस्ट आ रहा है तो उसके आगे फॉलोड आएगा। नो सूनर के बाद देन आता है। रैदर का मतलब होता है नॉट वेरी, अगर कहीं रैदर आ रहा है सेंटेंस में तो उसका मतलब नॉट वेरी। ट्वाइस इज़ परमिसिबल, ट्वाइस हम यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस में, लेकिन थ्राइस आजकल हम यूज़ नहीं करते, ये आउट ऑफ द फैशन है। इसकी जगह हम यूज़ करते हैं थ्री टाइम्स। इन अ कंपेरेटिव सेंटेंसेज इफ द फर्स्ट नाउन इज इन पॉजिटिव केस देन सेकेंड नाउन मस्ट बी टू। अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो जो है अगर फर्स्ट नाउन क्या है पॉजिटिव केस है, मतलब किसी अपोस्ट्रॉफी एस यूज़ कर रहे हैं, तो सेकेंड नाउन में भी अपोस्ट्रॉफी एस हम यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल, अ किंग्स लाइफ इज़ डिफरेंट फ्रॉम अ क्वींस। आप देख रहे हैं कि देखिए किंग में आपको किंग एज अ पॉजिटिव केस यूज हुआ है, तो यहाँ पे क्वीन भी एज अ पॉजिटिव केस हमें यूज़ करनी पड़ी। डू नॉट यूज डेफिनेट आर्टिकल्स प्रिसीडिंग द नेम ऑफ अ मील, नेमली सपर, डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट एक्सेट्रा। ध्यान रखिए कि जो है अगर सपर, डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट आ रहा है, तो उससे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। डेफिनेट आर्टिकल कौन से होते हैं दोस्तों? द, ठीक है, द यूज़ नहीं करेंगे। डू नॉट यूज़ इनडेफिनेट आर्टिकल ए एंड एन आफ्टर फ्रेजेस सच एज सॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ एंड टाइप ऑफ। दोस्तों, अगर कहीं पर भी आपको वर्ड दिखाई दे रहा है, फ्रेज दिखाई दे रहा है सॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ या टाइप ऑफ, तो वहाँ पर आप इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन यूज़ नहीं करेंगे। Do not use the whole with proper noun. Write the whole of India and not the whole India. अगर proper noun दे रखा है तो वहाँ पे the whole use नहीं करेंगे,
उसके साथ अगर आपको यूज़ करना है तो कैसे यूज़ करेंगे, जैसे इंडिया एक प्रॉपर नाउन है तो द होल ऑफ इंडिया, ये करेक्ट है, द होल इंडिया इज़ राउंड। मैनी आर रिक्वायर्ड सिंगुलर वर्ब, कहीं मैनी आ रहा है तो मतलब वो सिंगुलर वर्ब यूज़ करेगा, ठीक है ना, उसको रिक्वायरमेंट है सिंगुलर वर्ब की। द फ्रेज विद अ व्यू टू इज ऑलवेज फॉलोड बाय जेरंड एंड नॉट एन इन्फिनिटिव, यूज़ द इन्फिनिटिव आफ्टर बट। अगर आपको दे रखा है फ्रेज विद अ व्यू टू तो ध्यान रखना इसके आगे जेरंड यूज़ करते हैं, इन्फिनिटिव यूज़ नहीं करते दोस्तों। जेरंड मतलब कीजिए जिसमें ing लगाते हैं, और इन्फिनिटिव मतलब जहाँ पे वर्ब से पहले टू आ जाता है, जैसे टू प्ले, टू वॉक, ओके, ये इन्फिनिटिव है। और जेरंड मतलब वॉकिंग, टॉकिंग, मूविंग, ऑल दीज आर जेरंड। लेकिन यूज़ द इन्फिनिटिव आफ्टर बट, अगर बट आ रहा है तो जो हम फिर इन्फिनिटिव केस यूज़ करते हैं। द वर्ड्स कैच, होल्ड, सीज एंड टेक ऑलवेज प्रोसीड बाय द हैंड। अगर कहीं पर भी वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं हम, कैच, होल्ड, सीज और टेक, ये सारे वर्ड्स जो हैं बाय द हैंड से पहले यूज़ करते हैं। जैसे ही कॉट द थीफ बाय द हैंड, तो यहाँ पर कैच का सेकेंड फॉर्म कॉट यूज़ किया हमने, तो देख रहे हैं बाय द हैंड भी यूज़ किया, तो बाय द हैंड से पहले हम अगर कहीं कैच यूज़ कर रहे हैं तो बाय द हैंड से पहले आएगा, होल्ड यूज़ कर रहे हैं तो वो भी उससे पहले आएगा। नेक्स्ट इज़ डू नॉट यूज़ प्रपोजिशन आफ्टर कंप्रेसेस। ध्यान रखिए अगर कहीं पर आप यूज़ कर रहे हैं कंप्रेसेस तो उसके बाद प्रपोजिशन यूज़ नहीं करेंगे। बहुत से लड़के जो हैं, बहुत से मतलब स्टूडेंट्स कंप्रेसेस ऑफ लिख देते हैं, वो गलत है, कंप्रेसेस के बाद हम प्रपोजिशन यूज़ नहीं करते दोस्तों। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ये स्लाइड कंप्लीट हो चुकी है जो हमने स्टार्ट की थी सीरीज़ करेक्टिंग कॉमन एरर्स की, तीन स्लाइड में पूरा किया है ये। इसमें जो भी रूल्स हैं आप इसको पढ़िए, इसको कई बार रिवाइज़ करिए, और जो भी एसएससी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो लगभग 90% कवर हो जाएंगे इन स्लाइड से, ठीक है। और कोई भी डाउट है आप प्लीज़ कमेंट में उसको डालिए, मैं उसको ज़रूर क्लियर करूँगा। और बाकी मैं अभी और स्टडी करके और जो भी रूल्स मुझे मिलते रहेंगे उनको कंपाइल करके नेक्स्ट वीडियो जब भी बनाऊंगा मैं आपको वो रूल्स बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।